भाइयों बहनों, इस बात को याद रखना कि ना तो कोई आपको खरीद सकता है, ना बेच सकता है, ना आपसे बिना पैसे काम करा सकता है। अगर कोई ऐसा कराता है तो वो अपराध है। बिल्कुल। अच्छा मुश्किल, पहली बार हम अपना हक और अधिकार जान चुके हैं। अच्छा सदा होगा, सब जने बैठन लगे, गठन होने लगो कि यह बात कहीं से जो होता है, जब बात कहीं से जो होता है, तो सी समझौता होने लगे अच्छी तरह। मनोरंजन के लिए तो रखे हम सब संसार के रीति रिवाज न सुने बार थकावर मंजन यहाँ ही नहीं। मुझे बुद्धि पर घास अच्छा लगता है। गाँव वालों कहते हैं ना कि वाह बुद्धि पर घास, तो फिर बुद्धि बोलता है कि बुद्धि पर घास नहीं, बुद्धि पर घास। आज़ाद भैया और रश्मि दीदी बोलते हैं कि हम मजबूर नहीं हैं। हमें भी सुन के लगता है ना कि हम अकेले नहीं हैं। पहले कभी नहीं हुआ ऐसा, आजकल बैठने लगी हैं औरतें, इकट्ठी होने लगी हैं, ग्राम पंचायत में भी जाती हैं, अपना अधिकार मांगती हैं। जैसे पहले सुगा छूस चलने लगते हैं, कि हटो हटो तुम कुम्हार हो, हटो हटो तुम ऐसा हो, तुम ऊसा हो, हटो हटो गगरी नहीं छियो, अब नहीं चलती है वह छुआ छूत। जो सरकारी योजना आ रही उसमें हमें जानकारी हो रही है। मैं अपने कानून को समझ गया, अपने अधिकार को जान लिया क्या होता है। मजबूर किसको बोला। एपिसोड नंबर 42 बीबीसी मीडिया एक्शन प्रस्तुत करता है सत्य घटनाओं से प्रेरित रेडियो धारावाहिक मजबूर किसको बोला। Majboor Kisko Bola is a show we created around the issues of prevention of bonded labor and promotion of human rights. We wanted to reach people who lived in some of the most backward and remote areas in India, and so audio seemed to be the right kind of medium, that could also be engaging, attractive, informative to the people we were trying to reach and therefore most relevant. हमारा कार्यक्रम तैयार था, पर हमारे सामने एक बड़ी चुनौती थी कि कार्यक्रम को अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएं कैसे। ना तो उनके पास रेडियो है, ना टीवी है, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर तक उन तक नहीं पहुँचता। कई गांव में तो बिजली तक नहीं आती। फिर हम अपनी मीडिया डार्क ऑडियंस तक पहुँचें कैसे। चुनौती बड़ी थी, पर हमने एक सिंपल समाधान निकाला। हमने बना दिया विलेज को लिसनर्स विलेज। लिसनर्स विलेज मतलब एक ऐसा गांव जहाँ के अधिकतर गरीब और मजदूर लोग मजबूर किसको बोला कार्यक्रम सुनते हैं। कार्यक्रम से वो अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और जागरूक बनते हैं। इसके साथ साथ तमाम सरकारी योजनाओं की भी जानकारी उन्हें प्राप्त होती है, जिससे उनकी जिंदगी बेहतर बनती है। बीबीसी मीडिया एक्शन हम लोग की ट्रेनिंग दिए, हम लोग ट्रेनिंग लेकर के अपना गाँव में आए, उसके बाद फैसिलिटेटर बने, इसके बाद अपना गाँव में रेडियो कार्यक्रम को सुनाने लगे। हमारे श्रोता समूह में जो मुद्दे निकल कर आते हैं वो हमारे गांव से जुड़े ही होते हैं, इसलिए हमारे लोग जो लोग बाग हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। समझ में आया कि आप किसी के अति फंसाने से नहीं जाएंगे, काम करने का जेबो करेंगे पंचायत या किसी को बता के और नंबर उम्बर लेकर। कार्यक्रम 30 मिनट का तो है और इतने मजेदार है, पता नहीं चलते कि समय कब निकल गया। जो हम रेडियो सुनते हैं वो हमको अच्छा लगता है, सबसे अच्छी बात हमारी सुनना चाहते हैं। जो यहाँ पे टोल फ्री का भी प्रावधान है, क्योंकि फ्री में हम लोग कहीं भी मिस कॉल करेंगे तो बात हो सकता है, इसके थ्रू है कि हम अपना समस्या को उनके सामने रख सकते हैं।
जी नमस्कार, मैं ध्रुव बोल रहा हूँ, भोजपुर। किसको बोला थे? हेलो साहब, हम पूजा बोल रहे थे करारा गांव से। बुद्धि प्रकाश वाला हम लोग को बहुत लाभ हुआ है, इसलिए हम लोग और बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ पानी की समस्या और लाइट की समस्या, बहुत सारा समस्या जा रहा है सर, क्या करना? मिस कॉल किया, उसके बाद वहाँ से फोन आया, तो फोन आया तो बताया कि आपके तरफ सम्मेलन रखा जा रहा है, उस सम्मेलन में आप आओ और इस कार्यक्रम को रखो। Once the missed call number had been established in the listener village, we were constantly getting calls from listeners who wanted to know more about the schemes that they were hearing about in the radio program. We realized the only way to solve their problems was to bring it to the notice of the concerned authorities. It was out of this need that the idea of the Shrota Samvad was conceived. Shrota Samvad is a platform. It's an initiative that helps connect authorities who are not as accessible or sometimes less accessible. इसमें ये भी है कि कई बार सरकारी अधिकारियों को वास्तविकता पता नहीं होता है, तो सीधे लोगों से मिलने का सरकारी अधिकारियों को भी मौका मिलता है, ताकि वो समझ सके कि हम किस स्थिति में हैं, हमारा योजनाओं का स्थिति क्या है, और उसके हिसाब से वो सुधार कर सकें। तो हमने सोचा अगर इतना सा बात है तो हम जाएंगे और वहाँ पे ये सारी बात हमारी रखेंगे, और हम लोग इकट्ठा होकर के पूरा गए थे। और दूसरा वक्त फिर कलेक्टर साहब आए यहाँ और देख के गए, तुरंत पाइप वगैरह का सेक्शन कर दिया, ज़मीन कमाओ अच्छा सा करके, और ज़मीन कमाते कमाते आज ये स्थिति कम से कम कुछ देखने को मिल रहा है सर। ये झरना बह रहा है और यहाँ खेती बाड़ी लगा रहा है, जिसमें पूरा बंजर बराबर था यहाँ पर। जो स्थानीय स्तर के पत्रकार हैं उनको बुला करके हमने बंधुआ मजदूरी के बारे में उनको जानकारी दी। इसके बारे में हमने पिछली बार बात की थी। जब इनको बताया गया कि वास्तव में बंधुआ मजदूरी क्या है और कानून में उसकी क्या परिभाषा है, कानून में किसको बंधुआ मजदूर कहा जाता है, इस चीज़ को जब वर्कशॉप में उन्होंने जाना, फिर उन्होंने अपने आसपास जब उस तरह की चीज़ें देखी और उससे रिलेटेड उन्होंने स्टोरी की, तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिला। उन्होंने खुद कहा कि हमको पहले नहीं मालूम था कि वास्तव में बंधुआ मजदूरी क्या होती है, लेकिन इस वर्कशॉप से, जो जर्नलिस्टों की वर्कशॉप थी, उसमें हमको इस बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिली और उसका उन्होंने फ़ायदा भी दिखाया। Bonded labor to me initially was literal slavery. I had a very vague idea about the issue. So after returning from the workshop, I started doing stories on bonded labor and human trafficking consistently, with lots of quotes from the stakeholders, from NGOs, from government departments, and more of case studies and facts and figures. So that made my story more richer and more informative, more readable. जब से BBC का workshop मैंने attend किया है, तब से बॉन्डेड लेबर को मैं पहचानने लगा हूँ अपने एरिया में, खासकर किस तरीके से बंधुआ मजदूरी होती है। वर्कशॉप के दौरान हमारी एनजीओ से इंटरेक्शन हुआ, ऐसे एनजीओ जो बॉन्डेड लेबर के लिए काम करते थे, और जब हम वहाँ से बाहर निकले तो हमारे इंटरेक्शन उसके बाद भी जारी रहा और नए रिलेशंस हमारे डेवलप हुए इस टॉपिक पर काम करने के लिए। हम लोग के पास जब भी कोई केस रजिस्टर्ड होता है तो हम मीडिया के साथ उनको जोड़ते हैं, बताते हैं उनको, वो लोग उसको स्टोरी बना के छापते हैं, और इससे ये हो रहा है कि सरकार पे दबाव बन रहा है, दबाव के साथ साथ जागरूकता भी आ रहा है। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मजबूर नहीं हूँ। अनपढ़ भले हैं लेकिन मजबूर नहीं हैं। हम आदिवासी हैं लेकिन मजबूर नहीं है। हम हरजन हैं, मैं मजबूर नहीं हैं। कमजोर हूँ, मजबूर नहीं हूँ। विकलांग तो है लेकिन मजबूर नहीं है। महिला हूँ मगर मजबूर नहीं हूँ। मैं एक लड़की हूँ लेकिन मजबूर नहीं हूँ। मैं विधवा हूँ लेकिन मजबूर नहीं हूँ। मैं किसान हूँ मगर मजबूर नहीं हूँ।